सुलेमान भाई रेडी हैं बिल्कुल अभी अपने अपने पैक के साथ में। और अभी बारिश आ रही है जिसकी वजह से हम निकले नहीं अभी तक, क्योंकि अभी हमारा सामान भी पैक नहीं हुआ। हमने इसको मतलब पन्नियों में टाइट कर दिया है कि पानी ना इसमें जाए, पॉलिथीन में। और बाइक हमारी रेडी है। सुलेमान भाई को देखो जरा, एक्साइटमेंट भरी पड़ी है। तो फ्रेंड्स हमारी बाइक हो गई है रेडी। 1 से 1.5 घंटा हमें लगा इसमें पूरा टाई अप करने के लिए, क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा था। और अभी बजे हैं 9:30। हमारा इरादा था कि हम निकलेंगे 6 बजे, लेकिन 6 से 7 हुए, अभी 9:30 बजे हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा पीर की गली। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं जम्मू से, मुगल रोड से हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ब्यूटी हमने सुनी है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ब्यूटी है वहाँ की। और सुलेमान भाई राइड कर रहे हैं अभी, थोड़ी सी मैंने राइड की थी तो नाले वगैरह आए थे, तो शूज़ वगैरह हमारे सारे भीग चुके हैं, क्योंकि शूज़ के कवर मैंने लाए नहीं थे, रेन सूट हमने ले लिया था, तो उसकी वजह से हम तो नहीं भीग पाए हैं, लेकिन हमारे शूज़ वगैरह पूरे भीग गए हैं। और बारिशों की वजह से जो नाले वगैरह हैं बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं, नदी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर थी, तो बड़े मुश्किल से उसमें बाइक हमने निकाल दी है। और अभी जस्ट हम राजौरी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। शूज सारे भीग चुके हैं, ये देखो भाई। बहुत ज्यादा बुरी हालत है राइडर की। लाइफ बोलते हैं कि राइडर मजे ले रहे हैं, राइडर व्यूज देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राइडर्स लोग बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, लेकिन उसके बाद जब हम अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं ना, वो मज़ा ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया है, और ये देखो हमने रेनकोट वगैरह सब लगाए हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी जम्मू में, और वाटर क्रॉसिंग भी थी, लेकिन हमने क्रॉस कर लिया अच्छे तरीके से। अभी शूज़ वगैरह हमारे पूरे बिक चुके हैं बहुत बुरे तरीके से, 1 लीटर पानी है शूज़ में। और अभी हम कौन सी जगह भाई, भामला जगह का नाम है। और अभी खाना खाने के लिए रुके हैं हम, बस ये राजौरी से 10 किलोमीटर पीछे है, बस खाना खाने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं राइड हम अपनी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रेन कोट हमने लगाए हुए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खाना हमने खा लिया है, और बहुत 10 मिनट का कह के 1 घंटा हमारा ले लिया। और सुलेमान भाई कैसा था खाना? एकदम बढ़िया भाई, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया। इस वक्त हैं हम शाहदरा शरीफ वाले रोड पे, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से इतना कहूँगा कि मैं कम से कम 8 साल पहले भी यहाँ पे आया था, तब भी ये रोड ऐसा ही था, और आज भी ये रोड ऐसा ही है, तो प्लीज़ इसको ठीक करवा दो यार, बहुत दिक्कत आ रही है। एटलीस्ट हमारा बाइकर्स का तो थोड़ा सा ख्याल रखो, अब तो मुगल रोड से ही सब आने जाने लगे हैं। इतना बुरा हाल है कि पूरा लद्दाख की फील इसने यहीं पर दिलवा दिया। अभी तो श्रीनगर भी नहीं आया है, और अभी से ही लेह का मतलब नज़ारा शुरू हो गया है। ठीक है, बट इस साइड देखिए, अभी हमने जाना है वहाँ पे जंगलों में, मतलब जो पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, उसके ऊपर हमने अभी ड्राइव करके जाना है। अभी हमारी 200 किलोमीटर ड्राइव बची हुई है, तब जाके हम श्रीनगर पहुँचेंगे। लेकिन बोलते हैं कि बीच में ऐसे नज़ारे हैं कि बंदा वैसे ही मतलब फ़ैन हो जाए उन नज़ारों का, तो सुना था, आज देख भी रहे हैं और अभी देखने वाले हैं, तो देखते हैं कितना कैप्चर हो सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि जो लाइव आंखें देख सकती है कैमरा, उसका सिर्फ 2-3% ही कैप्चर कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते। जो लाइव आंखें देखती है ना, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता कभी, जो लाइव मोमेंट्स होते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बेटर से बेटर मतलब व्यू कवर करें, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो शूट करूँगा, उस पर व्लॉगिंग करूँगा। और अभी देखते हैं कितनी दूरी पर है हमारा पीर की गली।
आवाज नाम है शायद इस जगह का। अच्छा, और आईब्रो की हालत देख रहे हो, डस्ट वगैरह पूरे मुंह पे बुरी तरह से चिपक गया है और पूरे रेन सूट पे भी मतलब अंदर में गंदा सा फील आ रहा है, बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है, जब हमने चढ़ाई शुरू की ना यहाँ पे, तो मतलब व्यू नहीं हमें आ रहा था, बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा था। फिर हमने थोड़ा सा जब हम ऊपर आए, हमने ये पेड़ ही देखो, मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, इतने प्यारे पेड़ हैं। मैं सोच रहा था ये तो हिमाचल जैसा है, उत्तराखंड जैसा है, लेकिन ये जो पीर, क्या पीर की गली है ना, पीर की गली जो जगह है ना, ये इतनी ज्यादा सुंदर जगह है ना, मैं आप कह रहा हूँ भाई। हाँ, और अभी मेन लोकेशन जो है ना, अभी आगे आने वाली है, जस्ट ये अभी एंटर हुए हैं, एंटर में ही हमें मतलब जन्नत के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। और अब ठंड लग रही है, बॉडी पूरी गिली हुई भी है, शूज अभी तक हमारे मतलब शूज जो है हमारे अभी तक सूखे नहीं है, और अब ठंड लगनी शुरू हो गई है। 4:30 बजे हैं, बट ये सब हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमने जाना है ले। अच्छा, मुगल रोड, पीर की गली, ये क्या, ये बीवी की लड़की आया है।